हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम शहजाद खान फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड आई हार्टली वेलकम यू आर ऑन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ यूकेजी क्लास। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका कक्षा यूकेजी की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। टुडे वी आर डिस्कस मैथ बुक्स ऑफ यूकेजी क्लास। आज हम यूकेजी क्लास की मैथ बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। सो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, फिर ये विद्यार्थी और जो पेरेंट्स है वो ध्यान दें। इन अवर प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट सम लर्नेबल पॉइंट इन दिस बुक्स। हमने अपने पिछले वीडियो में इस पुस्तक से कुछ सीखने योग्य बिंदु हैं उनके बारे में सीखा था, लर्न किया था, रीड किया था, पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम आवर नेक्स्ट पॉइंट। आज हम अपने इस बुक्स में कुछ अगले बिंदु हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। इसलिए फर्स्ट जो पेरेंट्स है उनके लिए वीडियो है। मैंने पहले ही बोला था कि जो यूकेजी के चिल्ड्रंस होते हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते स्कूल में। जो यूकेजी के बच्चे हैं उनको टीचर्स द्वारा वर्क करवाया जाता है। तो अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो घर पे ये काम जो है उनके पेरेंट्स करें। तो पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है। पेरेंट्स ध्यान से जो भी है एक्टिविटी जो करवाई जाती हैं बुक्स में, जो लेसन करवाए जाते हैं, जो पॉइंट समझाए जाते हैं, उनको घर पर अपने बच्चों को वो अच्छी तरह से समझाए और बार बार उनका अभ्यास करवाए, क्योंकि बिना अभ्यास के वो समय कुछ नहीं कर सकते। तो छोटे बच्चे हैं तो उनको जो ये कार्य है टीचर्स स्कूल में करवाते हैं, लेकिन टीचर्स घर पे हाउस पे वो कार्य उनके पेरेंट्स करेंगे। तो पेरेंट्स के लिए ये वीडियो है और पेरेंट्स उनको अच्छी तरह से बार बार अभ्यास करवाएं। और जो अपना पिछला वीडियो था उसमें भी कुछ जो अभ्यास कार्य दिए गए थे कुछ उनको भी हमें करवाना है। उससे आगे का जो वर्क है आज हम स्टार्ट करेंगे। सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी लर्न विच इज बिग एंड विच इज स्मॉल। कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये हमने रीड किया था फर्स्ट चैप्टर रिविजन ऑफ कंपेरिजन। रिविजन मीन्स होता है दोहरान, कंपेरिजन मीन्स तुलना, ऑफ यानी का, यानी तुलना का दोहरान। तो तुलना के दोहरान में हमने जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज जो पड़ी थी इसमें बिग एंड स्मॉल। बिग मीन्स होता है बड़ी, स्मॉल मीन्स होता है छोटी, या बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, यानी जो बड़ा और छोटा है उसमें जो बच्चे है कंपैरिजन करना यानी तुलना करना सीख सके। जैसे देर आर टू एनिमल्स हियर, यहाँ पे दो जानवर दिए गए हैं, विच इज स्मॉल एंड विच इज बिग। तो इसमें जो स्मॉल और बिग के बारे में है कि कौन सा जानवर छोटा है कौन सा बड़ा है, ये पिक्चर में दिया गया। अपने पिछले वीडियो में हमने ये जो पॉइंट्स है वो रीड कर चुके हैं, इसलिए एक बार जो है हम जल्दी जल्दी एक बार वापस इसका अभ्यास करते हैं। और यदि किसी के पास बुक्स अवेलेबल नहीं है, किसी पेरेंट्स के पास अभी तक बुक्स नहीं दिलाई है, तो मैं इनकी PDF है वो जो है इस वीडियो के साथ में सेंड कर दूंगा, तो आप उससे भी इसका अभ्यास करवा सकते हैं। और घर पे भी अपने पास जितनी भी ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है घर पे, उनमें भी बच्चों को बिग एंड स्मॉल के बारे में कंपैरिजन करना सिखाएं। उन्हें पूछा जाए घर पे विच थिंग इज स्मॉल विच थिंग इज बिग, यानी कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है। तो फर्स्ट जो हमने रीड किया था फर्स्ट पॉइंट था अपना बिग एंड स्मॉल। सो इसमें देर आर टू एनिमल्स हियर, या दो एनिमल्स यानी जानवर दिए हुए हैं, तो इसमें साइज शेप के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं यानी बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। सो एलिफेंट एंड रैबिट, सो एलिफेंट इज बिग एंड रैबिट इज स्मॉल। जो
खरगोश है वो छोटा है, एलिफेंट बड़ा है। इसी प्रकार हमने जो नेक्स्ट पिक्चर था अपना, जो देर आर टू पिक्चर हेयर, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। फर्स्ट इज शिप एंड सेकंड इज बोट। यहाँ पहली जो है शिप है और सेकंड है वो बोट है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि जो बोट होती है उसमें टू एंड थ्री जो पर्सन हैं वही बैठ सकते हैं, जबकि शिप है उसमें जो है थाउजेंड्स जो है पर्सन जो है बैठ सकते हैं। एंड शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग भी आपको जो है पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि बिग शिप इज बिग एंड बोट इज स्मॉल, कि जो बोट है वो स्मॉल है और शिप है वो बिग है, ये बड़ी है और ये छोटी है। तो शिप जो है बड़ी है और बोट छोटी है, तो जहाज बड़ा होता है और जो कश्ती है छोटी होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट तो हमने जो इसमें रिकग्नाइज करना, बिग से बिगर बना है एंड स्मॉल से स्मॉलर बना है। तो हमें इसमें कुछ टिक मार्क भी करने हैं। टिक राइट द बिगर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द स्मॉलर वंस, यानी जो वस्तु बड़ी है उस पे राइट मार्क करना है एंड जो स्मॉलर है उस पे क्रॉस मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने सीखा था अपने पिछले वीडियो में कि वाटरमेलन है और मैंगो है। देर आर टू फ्रूट हियर, यहाँ दो फल दिए गए थे। फर्स्ट इज वाटरमेलन एंड सेकेंड इज मैंगो। सो वाटरमेलन इज बिगर देन मैंगो, जो वाटरमेलन है वो मैंगो से बड़ा है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो हमने यहाँ पर एक कैट है, एक ऑक्स है, तो इसके अंदर जो आपके जो पिक्चर में साइज के अकॉर्डिंग दिख रहा है, जो बिग है उस पे राइट, बिगर है उस पे राइट मार्क किया हुआ है और जो स्मॉल स्मॉलर उस पे क्रॉस मार्क किया गया है। नेक्स्ट है, सॉरी, नेक्स्ट है इसमें फ्रॉग एंड जो है रेड दे रखा था। इसमें भी हमें जो बिगर पे राइट मार्क किया है एंड स्मॉलर पर क्रॉस मार्क किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर टर्टराइज एंड जो ऑक्स है बेल है वो दे रखा है, तो इसमें भी राइट मार्क किया हुआ है बिग एंड स्मॉल पे। इसी तरह हमने जो नेक्स्ट पॉइंट रीड किया था, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वर नेक्स्ट टॉल एंड शॉर्ट। टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, तो छोटा और बड़ा। इसमें भी हमने रीड किया था कि छोटा कौन सा है, विच इज टॉल एंड विच इज शॉर्ट, कौन सा छोटा है कौन सा जो है लंबा है। तो टॉल एंड शॉर्ट के बारे में हमने रीड किया था, तो ये भी पॉइंट्स अपना क्लियर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। तो हमें पता है द कैमल इज जो है कैमल है वो टॉल है एंड गोट है वो शॉर्ट है, यानी जो कैमल ऊंट है वो लंबा है एंड जो गोट है वो छोटी होती है। इसी तरह टॉल बॉय एंड शॉर्ट बॉय, यानी लंबा लड़का और छोटा लड़का, इसमें भी हमने कंपैरिजन किया था। एंड नेक्स्ट था टिक राइट द टॉलर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द स्मॉलर वन, यानी जो टॉलर है टॉल से टॉलर बना है एंड शॉर्ट से स्मॉलर बना है। टॉलर यानी लंबा और स्मॉलर, जो थिंग्स जो है टॉलर है उस पर राइट मार्क करना है और जो स्मॉलर है उस पर क्रॉस मार्क करना है। तो ये भी हमने रीड कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में कि जो टू हाउस है फर्स्ट एंड सेकंड, जो टॉलर है लंबी है उस पर राइट मार्क किया हुआ है और जो स्मॉलर है उस पर क्रॉस मार्क किया है। देर आर टू ट्री हेयर, यहाँ पे दो पेड़ दिए गए हैं। इसमें भी हमें जो टॉलर ट्री है उस पर राइट मार्क किया हुआ है और जो शॉर्ट यानी स्मॉलर जो ट्री है उस पर क्रॉस जो है मार्क किया हुआ है। नेक्स्ट जो अलमीरा दी हुई है, इसमें भी जो अपने टॉलर अलमीरा है उस पर राइट मार्क करना है और जो शॉर्टर या स्मॉलर अलमीरा है उस पर क्रॉस साइन करना है, मार्क करना है। इसी तरह जो स्पून है, लैडर्स है एंड जो बॉयज है उस पर जो टॉलर उस पर राइट मार्क किया हुआ है एंड जो स्मॉलर है उस पर क्रॉस मार्क किया हुआ है। तो इस प्रकार हमने जो है बिग एंड स्मॉल एंड टॉल एंड शॉर्ट
जो 2 पॉइंट्स है वो अपने प्रीवियस वीडियो में हम रीड कर चुके हैं, तो इनका अभ्यास आप बार बार करवाते रहें। पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को और भी घर पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, थिंग्स है जो है उसके बारे में आप बच्चों से पूछें, विच इज टॉल, विच इज शॉर्ट, विच इज बिग, विच इज स्मॉल, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी लंबी है, कौन सी जो है छोटी, उसके बारे में एक्सरसाइज करवाते जाएं, अभ्यास करवाना चाहिए, बार बार उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि बार बार उन छोटे बच्चे जब बार बार उनसे अभ्यास करवाया जाएगा तभी वह सीख पाएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट आर नेक्स्ट पॉइंट लॉन्ग एंड शॉर्ट। आज हम अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा, लंबा और छोटा। तो बच्चे ये कंपैरिजन करना सीखे कि लॉन्ग कौन सा है, शॉर्ट कौन सा है। लॉन्ग मींस लंबा, शॉर्ट मींस छोटा। सो लॉन्ग और शॉर्ट में कंपैरिजन करना सीखे बच्चे। तो इसमें देर आर टू व्हीकल हियर, यहाँ पर दो वाहन दिए गए हैं। फर्स्ट इज ट्रेन एंड सेकेंड इज बस। फर्स्ट है वो ट्रेन है, सेकेंड है वो बस है। तो एज यू नो द ट्रेन इज, द ट्रेन इज लॉन्गर देन बस। जो है ट्रेन है वो बस से लंबी है। आप जानते हैं कि ट्रेन है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है। सो ट्रेन इज लॉन्ग एंड बस इज शॉर्ट। तो बस छोटी होती है, ट्रेन लंबी होती है। तो इस प्रकार लॉन्ग से लॉन्गर बना है, लॉन्ग से लॉन्गर बना है एंड शॉर्ट से शॉर्टर बना है। सो क्वेश्चन बनते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। टिक राइट द लॉन्गर ऑब्जेक्ट, के जो लॉन्गर है, लंबी वस्तु है, उन पे राइट मार्क करना है। एंड क्रॉस द शॉर्टर वंस, और जो छोटी वस्तु है उस पे क्रॉस मार्क करना है। सो आपको बताना है विच इज लॉन्गर एंड विच इज शॉर्टर, कौन सी लंबी है, कौन सी छोटी है, ये आपको रिकॉग्नाइज करना आए। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, और बच्चों को ये बार बार जो है अपनी घर में जो भी ऑब्जेक्ट्स थिंग्स है उनको दिखाकर उनसे बार बार पूछा जाए और उनको बताया जाए कि कौन सी जो है लंबी है, कौन सी जो है शॉर्ट है। तो लॉन्ग और शॉर्ट जो है उनका यूज वो करना सीखे, वो पहचानना सीखे कि कौन सी थिंग्स है वो लॉन्गर है, कौन सी थिंग्स है वो शॉर्टर है। सो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पिक्चर दे रखी है इसमें वायलिन एंड जो है फ्लूट का जो पिक्चर है इसमें, फर्स्ट इज वायलिन एंड सेकंड वन इज फ्लूट। तो पहला है जो पिक्चर दिख रही है, पहली पिक्चर है वो गिटार की है एंड सेकंड वन है वो जो बांसुरी दे रखी है। तो विच इज लॉन्गर एंड विच इज शॉर्टर। एज यू नो वायलिन इज लॉन्गर देन फ्लूट। आप जानते हैं कि जो गिटार है वो बांसुरी से लंबी होती है। तो हमें पता है लॉन्गर है जो ऑब्जेक्ट, जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट है, जो लंबी वस्तु है वो वायलिन होती है, और जो फ्लूट होती है वो छोटी होती है। और साइज एंड शेप्स के अकॉर्डिंग भी आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो लॉन्गर है वो जो है वायलिन है और शॉर्टर है वो फ्लूट है। सो टिक राइट द लॉन्गर ऑब्जेक्ट, जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट है उस पर राइट टिक करना है। जो बॉक्स नीचे बने हैं तो वायलिन के नीचे जो बॉक्स बना है उस पर राइट मार्क करेंगे हम। जो लॉन्गर है उसके लिए राइट मार्क करें एंड जो शॉर्टर है उसके लिए क्रॉस मार्क करें। सो वायलिन के नीचे राइट मार्क करेंगे और जो फ्लूट है उस पर क्रॉस साइन मार्क करेंगे। तो इस प्रकार हमने साइज के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, या जो घर पर बच्चों को विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट दिखाएं और उनसे पूछे विच इज लॉन्गर विच इज शॉर्टर, के बार बार अभ्यास करवाएंगे, उनसे पूछा जाएगा कि लॉन्गर कौन सी है, शॉर्टर कौन सी है, तो वो धीरे धीरे उनको पहचानना सीखेंगे। हाँ, कि लॉन्गर क्या होता है और शॉर्टर क्या होता है, लंबा क्या होता है और छोटा क्या होता है। जो नेक्स्ट पिक्चर है अपनी, देर आर टू थिंग्स हियर, यहाँ पे दो चीजें दे रखी है। फर्स्ट इज नाइफ एंड सेकेंड इज एरो। जो फर्स्ट है वो चाकू दे रखा है और सेकेंड है वो जो अपने एरो है, तीर दे रखा है। तो तीर और
चाकू दे रखा है, विच इज लॉन्गर एंड विच इज शॉर्टर। आपको दिख भी रहा है, सेफ और साइज के अकॉर्डिंग भी हम इसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो रिकग्नाइज करने से, या हमें डायग्राम में भी इनकी साइज के अकॉर्डिंग दिख रहा है, लॉन्गर एंड शॉर्टर, लंबा कौन सा है और शॉर्ट जो है शॉर्टर यानी छोटा कौन सा है। सो एरो इज लॉन्गर देन नाइफ, तो हमें पता है जो तीर है वो नाइफ चाकू से छोट लंबा है। सो टिक राइट मार्क एंड क्रॉस मार्क, जो चाकू है उसके सामने हम जो है क्रॉस मार्क करेंगे और जो एरो है उसके आगे राइट मार्क करेंगे, बिकॉज एरो इज लॉन्गर देन नाइफ, जो एरो है वो चाकू से लंबा है और जो नाइफ है वो छोटा है। सो नाइफ इज शॉर्टर देन एरो, तो चाकू है वो एरो से छोटा है। आवर नेक्स्ट पिक्चर देर आर टू ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ दो वस्तुएं दे रखी है, फर्स्ट वन इज पेन एंड सेकेंड वन इज पेंसिल। एज यू नो पेंसिल इज लॉन्गर देन सॉरी पेन इज लॉन्गर देन पेंसिल, आपको पता है जो पेंसिल है वो पेन है जो पेंसिल से लंबा होता है। सो जैसे साइज के अकॉर्डिंग हम शेप के अकॉर्डिंग भी पिक्चर में बता सकते हैं लॉन्गर कौन सा है और शॉर्टर कौन सा है। सो पेन है वो लॉन्गर है एंड पेंसिल है वो शॉर्टर है, यानी कि पेन इज लॉन्गर देन पेंसिल, हम कह सकते हैं पेन है वो पेंसिल से लंबा है। सो टिक मार्क करें आप लॉन्गर के आगे एंड शॉर्टर के आगे आप क्रॉस मार्क करें बॉक्स में। सो लॉन्गर के आगे राइट मार्क एंड शॉर्टर के आगे क्रॉस साइन करें। और भी ऑब्जेक्ट्स थिंग्स घर पे हाउस पे आप हाँ बच्चों को दिखाएं और पूछें विच इज लॉन्गर विच इज शॉर्टर, कौन सी लंबी है कौन सी जो है शॉर्टर है, लंबी और छोटी के बारे में पढ़ें। अब नेक्स्ट पिक्चर दिख रहे हैं, देयर आर टू ऑब्जेक्ट हियर, दो वस्तु यहाँ पे दे रखी है, फर्स्ट इज एक्स एंड सेकेंड वन इज टूथब्रश, तो फर्स्ट है वो कुल्हाड़ी दे रखी है एंड सेकेंड है वो टूथब्रश है। एज यू नो आप जानते हैं वैसे कि एक्स इज लॉन्गर देन टूथब्रश, आप जानते हैं कि जो एक्स होती है कुल्हाड़ी होती है वो टूथब्रश से लॉन्ग यानी लंबी होती है। सो हमें इसको रिकग्नाइज करें अच्छी तरह, रिकग्नाइज करने के बाद जो राइट मार्क करें लॉन्गर के आगे और जो ऑब्जेक्ट शॉर्टर है उसके आगे क्रॉस साइन करें। सो एक्स है वो लॉन्गर है इसलिए एक्स के जो बॉक्स है उस पर राइट मार्क करना है और जो टूथब्रश है वो शॉर्टर है इससे तो इसके आगे क्रॉस साइन करें। तो ये एक्टिविटी है अपनी, जो लॉन्ग एंड शॉर्ट का टॉपिक है अपना, उसमें जो लॉन्गर ऑब्जेक्ट है उसके आगे राइट मार्क करना है और जो शॉर्टर ऑब्जेक्ट है यानी कि छोटी वस्तुएं हैं उनके आगे क्रॉस साइन करना है। ये अपनी जो एक्सरसाइज है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आप या पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट घर पे भी आप बच्चों को दिखाएं और बार बार उनसे ये रिकग्नाइज करने के लिए कहें कि लॉन्गर कौन सा है शॉर्टर कौन सा है। सो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, अवर नेक्स्ट पॉइंट हैवी एंड लाइट, हैवी मीन्स भारी एंड लाइट मीन्स हल्का, तो यहाँ भारी और हल्के के बारे में रिकग्नाइज करना हमें आना चाहिए कि विच इज हैवी विच इज लाइट, कौन सा भारी है कौन सा हल्का है। तो हमें इसमें रिकग्नाइज करना आए तो सम पिक्चर्स यहाँ पर रिलेटेड हैवी एंड लाइट से हमें इसको बताना है। घर पे भी ये बार बार अभ्यास करवाएं प्रैक्टिस करवाएं कि जो भी है हमने जितने भी पॉइंट पढ़े हैं अभी बिग स्मॉल या शॉर्टर लॉन्गर, तो उनके बारे में हमें जो है नॉलेज हो, बच्चों को नॉलेज हो अच्छी तरह के, वो पहचानना सीखे कि वस्तुएं किस प्रकार की होती है, लॉन्गर शॉर्टर के बारे में रिकग्नाइज करना, बिग स्मॉल के बारे में रिकग्नाइज करना सीखें। एंड नेक्स्ट है हैवी एंड लाइट यानी भारी एंड हल्का, एज यू नो फर्स्ट देर आर टू ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पर दो वस्तु दे रखी है, फर्स्ट इज बिग एंड सेकेंड इज फर्श, बिग है फर्श भी बोल सकते हैं इसको,
यहाँ पर एक स्कूल बैग दे रखा है और एक पर्स दे रखा है, तो बैग है ये भी, तो हैवी और लाइट बताना, हल्का और भारी। तो साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग भी हम इसे बता सकते हैं कि साइज और शेप के अकॉर्डिंग ये बताया जा सकता है कि कौन सी भारी है कौन सी हल्की वस्तु है। तो विच इज हैवी विच इज लाइट, तो आपको दिख रहा है, तो फर्स्ट है जो बैग है वो हैवी बैग है एंड सेकंड है वो लाइट बैग है यानी हल्का बैग है, और फर्स्ट है वो भारी बैग है। एंड नेक्स्ट पिक्चर दे रखा है, देर आर टू फ्रूट हेयर्स, यहाँ पे दो फ्रूट दिए हुए हैं, दो फल दे रखे हैं, फल के पिक्चर है, तो फर्स्ट है वो हैवी है सेकेंड है लाइट है। तो मस्क मेलन है, जो मस्क मेलन है वो हैवी होता है एंड जो लाइट है एप्पल एप्पल है वो मस्क मेलन से जो है लाइट होता है। नेक्स्ट है अपने इसमें इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन भी बनते हैं अपने, उन क्वेश्चनों को भी हमें देखना है कि किस प्रकार से किस टाइप से इनमें जो क्वेश्चन है तो उसमें हमें ये एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें देखिए आपको एक बार में बता देता हूँ, और ये जो प्रैक्टिस है वो आपके लिए, आप हाउस पे करें घर पे करें इनकी प्रैक्टिस करें। सो टिक राइट द हैवियर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द लाइटर वन, यानी हैवी से हैवियर बना है और लाइट से लाइटर बना है। तो यानी दो थिंग से वस्तुओं के बीच में जब कंपैरिजन करना हैवियर लाइटर, तो उसके लिए हैवियर एंड लाइटर का प्रयोग कर रहे हैं। तो टिक राइट द हैवियर ऑब्जेक्ट यानी जो भारी वस्तुएं हैं, वस्तु है दोनों में से, टू ऑब्जेक्ट यानी दो वस्तुओं में से जो भारी वस्तु है उस पर राइट मार्क करना है अपने को, एंड क्रॉस द लाइटर वन, और जो लाइटर वन यानी कि जो हल्की वस्तु उस पर हमें क्रॉस साइन करना है। तो आप देखिए फर्स्ट के अंदर टू ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट है फुटबॉल एंड सेकंड है टेनिस बॉल। तो फुटबॉल एंड टेनिस बॉल आपने देखी होगी, तो फुटबॉल एंड टेनिस बॉल में जो हैवियर है उस पर राइट मार्क करना है और जो लाइटर है उस पर क्रॉस साइन करना है। इसी तरह यहाँ पर भी आपको दो एनिमल्स दिख रहे हैं, तो एनिमल्स है उन पे हमें जो है जो हैवी एनिमल्स है उस पे राइट मार्क करना है, और जो एनिमल्स अपने इसमें लाइट है लाइटर है उस पर हमें क्रॉस साइन करना है। इसी प्रकार टू ऑब्जेक्ट्स इसमें भी दे रखी है, दो वस्तुएं दे रखी है इसमें, तो ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, तो ये घर पे करना है ऑब्जेक्ट को, इनको पहचाने, और घर पे भी हमें जो है देखने को मिल जाती है वस्तुएं, तो उनको हमें पहचानना है, और जो हैवी है उस पे राइट मार्क करना है, और जो लाइट है यानी जो हल्की है उस पे क्रॉस साइन करना है। यहाँ पे भी दो एनिमल्स दे रखे हैं, दो बर्ड्स दे रखे हैं, उनको भी हमें रिकॉग्नाइज करना है और पेरेंट्स को बताना चाहिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में अच्छी तरह जो है रीड करेंगे, आपको बताया जाएगा हैवियर और लाइटर के बारे में। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वो आपके लिए है, आप घर पे इनको बच्चों को जो हैवियर एंड साइज एंड शेप के अकॉर्डिंग आप उनको बताएं बच्चों को कि विच एनिमल इज हैवी एंड विच एनिमल इज लाइट, कौन सा जानवर है वो भारी है कौन सा जानवर है वो हल्का है। तो इसके अंदर आप इनकी प्रैक्टिस करवाएं, जो एनिमल्स हैवी है उस पर राइट मार्क करें, उसके नीचे बॉक्स दिया गया उस पर राइट मार्क करें, और जो एनिमल्स है लाइट है उस पर हमें क्रॉस साइन करना है। तो ये जो हैवी एंड लाइट की जो एक्सरसाइज हैवी एंड लाइट की, ये आपके लिए है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, उनको रिकॉग्नाइज करें और राइट मार्क और क्रॉस साइन इनमें करें। तो आज हमने जो पढ़ा है एक बार वापस उसका रिवाइज कर लेते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग यानी लंबा और छोटा, तो बच्चे ये रिकॉग्नाइज करना सीखे कि कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है। तो ये थिंग्स है, इसके अलावा भी आप घर पर जैसे आप बच्चों को ये ऑब्जेक्ट है कुछ हाउस पे मिलते हैं अपने, तो हाउस पे बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उनसे हमें बच्चों को कंपैरिजन करवाना चाहिए कि लॉन्ग कौन सी है और शॉर्ट कौन सी, यानी लंबी कौन सी है और शॉर्ट कौन सी है। तो उनसे घर पे क्वेश्चन करें, आप दो ऑब्जेक्ट दिखाएं और दो के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में उनको कंपैरिजन करना सिखाएं कि और पूछें विच इज लॉन्ग एंड विच इज शॉर्ट, यानी कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है। तो ये जो आपके पॉइंट है आज के, जो
पॉइंट पर डे हमने एक्सरसाइज की अभी तक, तो अभी तक हमने कुछ एक्सरसाइज किए। फर्स्ट थी बिग एंड स्मॉल, सेकंड थी अपने टॉल एंड शॉर्ट, यानी पहली थी बिग एंड स्मॉल मीन्स बड़ा और छोटा, सेकंड टॉल एंड स्मॉल यानी लंबा और छोटा, थर्ड था आपने पढ़ा लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो ये अभी तक हमने कंप्लीट की है। इसके अलावा हैवी एंड लाइट का भी हमने पढ़ा है, वो आपके अभ्यास के लिए दिया गया है। तो इनसे रिलेटेड जो भी थिंग्स हाउस पे हो, ऑब्जेक्ट हो, उनसे क्वेश्चन बनते हो, जैसे बुक्स में जो दिए हुए, पहले तो उनकी बार बार आप एक्सरसाइज करवाएं, उसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आप घर पे मिलते हैं उनमें बच्चों को कंपेरिजन करवाएं। जितना आप उनमें अभ्यास करवाएंगे उतना ही जो यूकेजी के बच्चे वो सीखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनसे बार बार प्रैक्टिस करवानी होगी। तो जितनी बार जितनी प्रैक्टिस करवाओगे उनको उतना ही उनके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करवाने से ही वो सीख पाएंगे।